विजय तिलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा, आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। तो चलिए, पहली खबर है यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। देखिए, लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर सुबह 10:30 बजे ये कार्यक्रम होना है और इसी दरमियान मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, जिसे बीजेपी संकल्प पत्र के नाम से घोषित करती है। बता दें कि इस मौके पर तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और इस बार खबर ये लग रही है कि यूपी के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है। संकल्प पत्र जारी होने के मौके पर सीएम योगी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर भी रहेंगे। इसके अलावा यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम, यानी कुल मिला के पूरे लाव लश्कर के साथ तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में ये मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा। भाजपा अपने संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश के लिए बिजली बिल, किसान और रोजगार पर फोकस कर सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है। तो भाजपा आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी और इसके लिए लखनऊ कार्यालय में तैयारियां जोरों पर हैं और इस तैयारी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने, आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 वो जारी करने वाली है और ये बीजेपी मुख्यालय में, ये जो अगर हम कहें हॉल है, यहीं पर ये सारी तैयारी की गई है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, वो मौजूद रहेंगे, यूपी चुनाव के जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान वो मौजूद रहेंगे, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा अगर बात करें तो जो अन्य लोग हैं वो भी मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं इसे नाम दिया गया है लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022। सूत्रों की माने तो इसमें खासतौर से बिजली को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है, खासतौर से महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ये जो घोषणा पत्र है, लोक कल्याण संकल्प पत्र जिसे बीजेपी नाम दिया है, वो केंद्रित रह सकता है और ख़ासतौर से बीजेपी ने इसके लिए एक कमेटी बनाई थी जिसकी अध्यक्षता जो उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और वरिष्ठ नेता हैं सुरेश खन्ना, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसके अलावा राज्यसभा के सरस ब्रिजलाल इसमें थे, डॉक्टर इसके अलावा रीता बहुगुणा जोशी जो सांसद हैं वो इसमें शामिल थी, बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे, अलग अलग जगहों पर ये जो कमेटी के लोग हैं वो गए, अलग अलग वर्ग से उन्होंने बात की और उसके बाद जाकर इस लोक कल्याण संकल्प पत्र को तैयार किया। ख़ासतौर से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कुछ कुछ जो उनके मैनिफेस्टो में चीज़ें होंगी उनके अनाउंसमेंट कर रही है, तो माना जा रहा है कि आज का जो ये बीजेपी का लोक कल्याण संकल्प पत्र होगा चुनाव के नज़रिए से, उसमें वो सारी चीज़ें होंगी जो युवाओं से जुड़ी हो सकती हैं, किसानों से जुड़ी हो सकती हैं, महिलाओं से जुड़ी हो सकती है और कहीं ना कहीं इसमें जो विज़न है बीजेपी का यूपी को लेकर, जो विज़न की बात करते हैं उसकी भी एक झलक देखने को मिल सकती है। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखिए, 10:30 बजे का वक्त है जब ये मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा और रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का, जो इस वक्त बीजेपी दफ्तर पे ही मौजूद हैं। कैसा माहौल है अनुभव, और क्या जानकारी मिल रही है, लोगों का आना शुरू हो गया है? देखिए बिल्कुल, अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ सुबह से काफी कोहरा है, काफी ठंड है, लेकिन सियासी गर्मी बहुत ज्यादा है और खासतौर से अगर बात करें बीजेपी की तो हम बीजेपी मुख्यालय में ही मौजूद है। 10:15 बजे कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुँच जाएंगे और आप सुरक्षा के इंतजाम देखिए, इस तरफ आप देखिए स्नीफर डॉग्स यहाँ पर हैं, इसके अलावा तमाम जो पुलिस के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस पुख्ता व्यवस्था की गई है और किसी को भी अगर अन्य लोग हैं जिनका इस कार्यक्रम से कोई मतलब नहीं है उन्हें नहीं आने दिया जा रहा, चाहे वो पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता हो, यहाँ अब सारे अरेंजमेंट की जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँच जाएंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष तो पहुँचेंगे और देखिए किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है। हम आपको भीतर भी लेकर चलेंगे जहाँ पर ये लोक कल्याण संकल्प पत्र जो बीजेपी का 2022 का है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो एक विज़न डॉक्यूमेंट है 2027 तक किस तरह से
यूपी का डेवलपमेंट होगा। जो बात बार बार बीजेपी के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो लोग कहते हैं अलग अलग मंचों से, वो उसकी एक झलक उसमें देखने को मिलेगी। और किस तरीके से 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी जिसमें अध्यक्षता दी थी वहाँ पर जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनको अध्यक्ष बनाया था। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य उसमें थे, यूपी सरकार के अन्य मंत्री थे, कुल 10 लोगों की कमेटी बनाई थी। और मैनिफेस्टो में क्या कुछ चीज़ें होंगी इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, देखिए सारी तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही है, हम आपको लेकर चलते हैं। यही वो हॉल है जहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद जो है वो लोक कल्याण संकल्प पत्र जो है बीजेपी का वो जारी होगा। और अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो हमारे साथ राकेश त्रिपाठी भी हैं पार्टी के। राकेश जी, लोक कल्याण संकल्प पत्र, क्या विजन है यूपी को लेकर बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2017 में लोक कल्याण संकल्प पत्र अपना जारी किया था। और जब कहा जारी किया था तो हमने सबसे पहला स्लोगन, पहला नारा दिया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। और आज जब 5 वर्ष के बाद हम आ रहे हैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड भी लेकर के आ रहे हैं और अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र भी लेकर आ रहे हैं, यानी हमने क्या किया है हम वो भी बता रहे हैं और हम आगे 5 वर्षों में क्या करेंगे हम इसकी भी रूपरेखा पर फोकस होगा। युवाओं पर, किसानों पर, महिलाओं पर, बिजली को लेकर कुछ घोषणा होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जो नागरिक है, हर नागरिक के लिए हमने चिंता की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को चरितार्थ करता हुआ आपको ये लोक कल्याण संकल्प पत्र दिखेगा। जब ये लोक कल्याण संकल्प पत्र आएगा तो आपको उत्तर प्रदेश के भविष्य की तस्वीर दिखाई पड़ेगी इसमें, कि उत्तर प्रदेश कैसे आगे विकास के पथ पर आगे लगातार बढ़ता रहेगा। देखिए, ये पूरा मंच तैयार है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ बैठेंगे, मुख्यमंत्री बैठेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री बैठेंगे, प्रदेश अध्यक्ष बैठेंगे। और इसके अलावा अगर आप देखिए तो जो यूपी चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी बैठेंगे और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, उतनी कुर्सियां लगाई गई। हमारे साथ बीजेपी MLC और कार्यालय, ये जो पूरा बीजेपी का कार्यालय उसके जो प्रभारी है कार्यक्रम को देख रहे हैं गोविंद शुक्ला जी। गोविंद जी, लोक कल्याण संकल्प पत्र एक बड़ा दिन है चुनाव के लिहाज से, क्योंकि जो बातें आप कहेंगे जनता उसके आधार पर हो सकता है कि वोट देने जाए, क्या कुछ खास रहेगा? भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र लेकर के आए थे उसके आधार पर हमने 5 वर्ष गांव, गरीब, किसान कल्याण के लिए काम किया है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 साल में जो अपनी सरकार के द्वारा गरीब कल्याण के काम करेगी उसको इसमें लेकर के आ रही है। बहुत जगहों पर आकांक्षा पेटी लगाई थी, लोगों से सुझाव मांगे थे, कितनी जगहों सुझाव आए, कितने सुझाव आए, कुछ अंदाजा? बहुत बड़ी संख्या में जनता के द्वारा सुझाव आए हैं, उन सब का भी समावेश किया गया है। निश्चित रूप से यह संकल्प पत्र 2022 आने वाले समय के लिए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए निश्चित रूप से हम कुछ करने के लिए अच्छे होंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सुना क्या कहना है पार्टी के जो प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी, बीजेपी के जो MLC हैं, जो कार्यालय प्रभारी हैं, उनका क्या कहना, और ये पूरा मंच तैयार है। कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ 8 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, 8 प्रमुख लोग जो हैं वो मंच पर बैठेंगे और यहीं से ये जो लोक कल्याण बिल्कुल अनुभव तैयारी हो चुकी है और हमें जो जानकारी मिली है उसको जारी होगा तो आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। आगे बढ़ेंगे, यूपी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार वर्चुअल प्रचार कर रहे हैं। जन चौपाल के जरिए पीएम मोदी पश्चिम के जिलों पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी वर्चुअली जन चौपाल है। दोपहर 1:30 बजे होने वाली इस जन चौपाल के जरिए पीएम मोदी मथुरा, आगरा, बुलंदशहर के वोटर्स को संबोधित करेंगे। इन तीनों जिलों की विधानसभाओं में LED वैन से प्रसारण के साथ ही सभी बूथ पर कार्यक्रम दिखाया जाएगा। इन विधानसभाओं के प्रत्याशी भी कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। रैली का संचालन लखनऊ भाजपा कार्यालय से होगा। तो आज पीएम की वर्चुअल चौपाल है, तीनों जिलों के विधानसभाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रैली का संचालन लखनऊ भाजपा कार्यालय से ही होगा, जैसा कि पिछली बार भी किया गया था। प्रधानमंत्री की ये तीसरी जन चौपाल है, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर को संबोधित करेंगे। तो काफी एक्टिविटीज रहने वाली हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों की ही बात कर लें। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी नितिन का, आगरा से वो हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे। तो आज ब्रज क्षेत्र में काफी चहलकदमी रहने वाली है। नितिन, अभी क्या जानकारी है, टाइम के अकॉर्डिंग बताइए शेड्यूल। देखिए बिल्कुल, देखिए बिल्कुल 1:30 बजे प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है और वर्चुअल रैली जिसको बीजेपी ने जन चौपाल का नाम दिया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर 10 तारीख को चूंकि मतदान होना है, ऐसे में बीजेपी ने अपने कहा जाए टॉप कमांडर्स उतार दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पूरा जो कहा जाए जो चुनाव प्रचार प्रसार की जो कमान है खुद प्रधानमंत्री ने ले ली है और आज
तीन जिलों के मतदाताओं को संबोधित करेंगे, मथुरा, आगरा, बुलंदशहर। और ऐसे में हर विधानसभा में एक जो एलईडी वैन पहुंची है उसके जरिए कार्यक्रम का प्रसारण होगा और हर विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं वो एक मंडल में मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला के कहा जाए आगरा महानगर में 22 मंडल है, हर जगह उनका प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसका लाइव टेलीकास्ट होगा, मतदाताओं से संवाद करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैसेज बड़ा दिया जा रहा है, बड़ी रैली नहीं कर पा रहे प्रधानमंत्री लेकिन वो पब्लिक तक लगातार पहुँच रहे हैं। क्या मैसेज जा रहा है, किस तरह से पब्लिक ले रही है? हमारे जन जन के नायक हैं प्रधानमंत्री जी और उन्होंने सबके साथ सबके विकास के लिए जो भी योजना लाए हैं सारी अंत्योदय के धारणा के अंदर जिस अंतिम सीढ़ी का व्यक्ति है उसको भी सब योजना का लाभ मिल रहा है। इसलिए जन चौपाल कार्यक्रम लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ता में आप देख सकते हैं सुबह 9 बजे कितने कार्यकर्ता में जोर से तैयारी हम लोग कर रहे हैं। क्या मैं सुबह से मैं देख रहा हूँ सारा अरेंजमेंट्स हो रहा है, इस समय मैं सीतानगर में मौजूद हूँ और यहाँ जो मंडल लेवल पर जो कार्यक्रम है यहाँ जो प्रत्याशी है अहमदपुर के धर्मपाल सिंह, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन रहेंगे, क्या देख रहे हैं ये लगातार जन चौपाल कार्यक्रम के जरिए किस तरह से पब्लिक से कनेक्ट प्रधानमंत्री का बन पा रहा है, बीजेपी का जो मैसेज जाना चाहिए किस तरह से जा पा रहा है? देखिए जिस तरीके की सरकार की योजनाएं चली हैं पिछले 5 सालों में सरकार की जो योजनाएं सीधे कनेक्ट पब्लिक से हुई हैं, इसलिए पब्लिक के जो दिमाग में है वो सिर्फ कमल का फूल है क्योंकि उसकी जितनी भी योजना हो सीधा लाभान्वित हुआ है, जो एक आम वोटर है उसे लाभ पहुंचा है, इसलिए जनता उनके दिल में जो बैठे हुए प्रधानमंत्री मोदी क्या कहना चाहें किस तरह से? आपने तो मास्क भी लगा रखा हुआ है, धर्मपाल सिंह जो यहाँ से प्रत्याशी हैं बीजेपी का निशान में देख पा रहा हूँ, तो बड़ा जबरदस्त उत्साह है, क्या कहना चाहें? ये युवाओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है और युवाओं ने ये निश्चित ही ठाना है कि इस बार जो है 350 प्लस पार करके योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये सब युवाओं का उत्साह है और आदरणीय धर्मपाल जी यहाँ से विधानसभा से जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको भी हम कम से कम 1 लाख जीतों से पार कराएंगे। किस तरह के अरेंजमेंट्स रखे हैं, क्योंकि आप कार्यक्रम प्रमुख हैं, किस तरह के अरेंजमेंट्स रखे हैं मंडल लेवल पर यहाँ ये कार्यक्रम होना है? तो नीरज जी बताइए कार्यक्रम कैसे कैसे क्या रूपरेखा है, कैसे लाइव टेलीकास्टिंग होगा, क्या क्या पूरी व्यवस्था? हमारे पास टीम आई हुई है, सेटअप अब लग रहा है, आप देख रहे हैं इस समय तैयारी चल रही है, पूरा हमारे प्रत्याशी भी इसी यहाँ पर ही रहेंगे और वो जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे उसके बाद हमारे यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता भी अपनी योजना को बताएंगे कि हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार ने क्या क्या योजना चलाई हैं, इस संबंध में पूरा बताया जाएगा। और भी लोग हैं, और भी कार्यकर्ता हमारे बिल्कुल साथ, लेकिन और देखिए तैयारी तो कर ली गई है, तैयारी तो कर ली गई है और 1:30 बजे प्रधानमंत्री जन चौपाल के जरिए संबोधित करेंगे, उस वक्त की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं यूपी चुनाव के पहले चरण के मतदान में 4 दिन का समय बाकी है। 11 जिलों में 58 सीटों पर होने वाले मतदान पर सभी दलों की निगाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मिशन यूपी में जुटे हुए हैं। कुछ बड़े दिग्गज लगातार पहले चरण की सीटों पर फोकस कर रहे हैं तो कुछ दिग्गजों को प्रदेश के बाकी हिस्सों में प्रचार पर लगाया गया है। आप 6 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कौन सा नेता आज कहां पर प्रचार करेगा, जिसमें सीएम योगी अलीगढ़ और मथुरा में भाजपा के लिए वोट की अपील करेंगे तो अमित शाह बागपत और अमरोहा जिले में वोटर्स से अपील करेंगे। साथ ही राजनाथ सिंह को बुंदेलखंड के महोबा हमीरपुर की जिम्मेदारी दी गई है। उधर यूपी भाजपा अध्यक्ष बुलंदशहर और सदर सीट पर हुंकार भरेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर की गंगोह विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जेवर में होंगे और वहां पर वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। तो कैराना पश्चिमी यूपी की सबसे हॉट सीट बन गई है। क्यों? कभी 2 दिग्गज राजनीतिक घराने होते थे और बड़े बड़े उनके नाम होते थे और वो अब आमने सामने हैं। ये कैसी लड़ाई है देखिए आप। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कैराना और उसी कैराना सीट का क्या मिजाज है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि यहाँ 2 बड़े राजनीतिक घरानों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। एक है मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन और मुनव्वर हसन बहुत बड़े यहाँ के कद्दावर नेता रहे थे, राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा सांसद रहे, विधानसभा में रहे और विधान परिषद में रहे। सबसे कम उम्र के वो ऐसे नेता थे कि जो चारों सदनों में रहे हैं। दूसरी तरफ बाबू हुकुम सिंह हैं और उनकी बेटी मृगांका सिंह है और बाबू हुकुम सिंह कई बार विधायक रहे, कई बार सांसद रहे, इलाके के दोनों ही बड़े कद्दावर नेता हैं और यहाँ के लिए कहा जाता है कि शामली, कैराना और आसपास के जिले की जो सियासत है वो इन दोनों ही बड़े घरानों के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन इस बार कुछ चीज़ें बदली हुई नजर आ रही हैं, यहाँ की जनता क्या सोच रही है यही हम बात करेंगे आज कैराना विधानसभा के केरटू गाँव में। केटू गांव के तमाम आसपास के लोग यहां खड़े हुए हैं, आप मुझे ये बता दीजिए कैराना पे पूरे देश की नजरें टिकी हैं, आपकी नजर कहां है? पूरे देश की नजर हमारी नजर है गठबंधन पे,
गठबंधन जीतेगी, 100% जीतेगी, बहुमत सरकार बना हुई अपनी है। साहब जी आप बताइए, नाहिद हसन है वो फिलहाल जेल में है, उनकी जो बहन है इकरा वो प्रचार कर रही है, भाई को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, आप बताइए। हाँ जी, हमारा भी इरादा यही है, हमारी बेटी है दुर्दैव, उनका खानदान था, उसके लगाव है हमने, हम उसको ही जिताएंगे, उसको ही वोट देंगे। अच्छा, एक बार जैसे बीजेपी उठा रही है कि क्या कहते हैं पलायन होता था, हमने रोक दिया, ऐसा था कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं था, आप बताओ भैया, आप बताओ यहाँ के बारे में। यहाँ के बारे में तो इकरा ही जीतेगी जी, नहीं दास ही नहीं जीतेगा यहाँ तक, जो गठबंधन सरकार बनेगी अखिलेश ही जीतेगा यहाँ तक, अखिलेश ही मुख्यमंत्री बनेगा यहाँ तक, भाजपा ने तो कुछ कराई नहीं, यो पलान का मुद्दा उठा रहे ना, पलान होगा कुछ नहीं होगा, पलान ये सब झूठी है, सब बकवास है, सब ये कुछ नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, शामली और कांधला में मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमें जिताइए, पलायन नहीं होगा, मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं होगा, बेटियां सुरक्षित रहेंगी, आपको लग रहा सही कह रहे हैं? बात ऐसी है जी, यहाँ से सपा आ जाओ चाहे बीजेपी आ जाओ जी, ना तो यहाँ विकास करें, ना दर्शन ना विकास कराए आप भूगम सिंह जी, यहाँ किसी ने विकास नहीं करा जी, यहाँ तो आवे वोट ले जाओ अपना, और बस मेरे गाँव वाले वैसे है, अगर अपना दे देंगे वोट, विकास के मुद्दे पर कोई बात करते नहीं जी, अपना बस इन कह रहे हैं अपना भाई वोट तेरी पक्की है। आपकी नज़र में कैराना का किंग कौन? नहीं दर्शन है जी मेरी नज़र में तो। देखिए आपने सुना कैराना क्षेत्र के जो तमाम इलाके के बड़े बुजुर्ग लोग हैं या युवा हैं उनके मन की आपने बात सुनी, 10 फरवरी का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में इन लोगों के मन की नाराजगी, इन लोगों के मन का गुस्सा कितना इस चुनाव पर असर डालेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि कैराना में जो सियासी जंग है वो बेहद दिलचस्प होने जा रही है और मुकाबला भी कड़ा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, कैराना।